हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम वन से। पता है, अभी हम लोग सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आज है पार्ट फोर। और आज की वीडियो में बात करेंगे 31 to 40 वर्ड। ये वर्ड आज आप लोग को याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। और एक बात और याद रहे, आपको इस निर्माण इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर वॉल्यूम वन का पूरा वोकेबुलरी, इडियम्स, फ्रेज, साइनोनिम, एंटोनिम, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कंप्लीट ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आपके जितने दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 में क्या बोल रहा है। एनार्किस्ट याद रखिएगा। एनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। क्या एनार्किस्ट मतलब होता है अराजक या अराजकतावादी, है ना। एनार्किस्ट अराजकता फैला दिया जाता है ना लोगों के द्वारा, मतलब गलत सा माहौल क्रिएट कर देना, गलत सा बिहेव क्रिएट कर देना, है ना। अराजकता मतलब जिससे लोगों का नुकसान हो, समाज बर्बाद हो जाए, लोग का सोच बर्बाद हो, ऐसा कुछ कर दिया जाता है अराजकता में। क्या बोल रहा है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल। किसी व्यक्ति का इच्छा हो जो सब के सब क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ओके जी, है ना। तो क्या है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट लॉ, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करने लगे, तभी तो अराजकता फैल जाता है ना। तो याद रहेगा क्या, एनार्किस्ट, है ना। जैसे अनारी लोग जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ चलते हैं। गवर्नमेंट कहेगा शराब बंद, वो पी के उलट जाएगा, क्या कर लेगा, एनार्किस्ट। उसी से अराजकता फैलता है, है ना। तो एनार्किस्ट एक वही बात है, एनार्की वही चीज़ है। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी या अराजकता फैलाने वाला, और ये है अराजकता। क्या है, एनार्की मतलब होता है अराजकता, है ना। कोई फैलाता है कभी फैल जाता है, कोई फैलाता है कभी फैल जाता है। बोल रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जब सरकार कंट्री में नहीं हो, देश में जब सरकार का बात नहीं चले, सरकार ना हो, तो हम लोग का क्या होता है, जब सरकार नहीं होता है तो हम लोग का क्या होता है, अराजकता सा फैल जाता है। कोई किसी को कुछ न कहने वाला, न कुछ कोई सुनने वाला, बस यूं ही अपने मन मर्जी से लोग काम करते रहते। तो याद रखिएगा, एनार्की मतलब अराजकता, है ना। जब सरकार नहीं होते हैं तो देश में, समाज में अराजकता फैल जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंटीडॉट मतलब होता है किस्सा, है ना। एनेक्डॉट मतलब होता है किस्सा, कहानी। पता है, जब बचपन में दादी कहानी सुनाया करती थी, नानी कहानी सुनाया करती थी, दादा कहानी सुनाया करते थे, है ना। मोस्टली दादी, है ना। एनेक्डॉट किस्सा कहानी। बोल रहा है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। और जो दादी कहानी सुनाते हैं आजकल बॉलीवुड में, भोजपुरी वगैरह में देखते हैं, वो तो बनावटी रहता है, लेकिन दादी वाला ओरिजिनल। अरे क्या बताएं बउआ, हम जब बच्चे थे तो ऐसे ऐसे हुआ करता था, पेठिया में जाते थे, मेला घूमने जाते, ऐसे कहानी बताती थी। वो रियल स्टोरी होता है किसी व्यक्ति का या किसी घटना का, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, जो एनेक्डॉट मतलब किस्सा, कहानी, स्टोरी, है ना। एनेक जानते हैं, एनेक किसको कहते हैं, चश्मा को ना एनेक बोलते हैं, एनेक तो चश्मा वाला कहानी, दादी चश्मा वाला कहानी सुनाई थी, है ना। एनेक दो चश्मा वाला कहानी सुनाई। दू गो चश्मा था जिसमें एगो से दिखाई देता था बड़ा लेटर छोटा करके, और एक से छोटा लेटर बड़ा करके, एगो से कुछ दिखाइए, है ना। तो क्या है, एनेक दो याद रहेगा। एनेक्डॉट मतलब एनेक दो, किस्सा, कहानी, ठीक है। नेक्स्ट एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। बैठ जाए उधर से। एनिवर्सरी मतलब सालगिरह। लोग शादी वादी करते हैं,
है ना, या जो भी साले साल जो इवेंट आता है ना उसको हम लोग सालगिरह मनाते हैं। कोचिंग खोले कोचिंग का सालगिरह, शादी किए शादी, बाल बच्चा भले बाल बच्चा का, है ना। तो क्या है तो एनिवर्सरी क्या है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में तो होता है सालगिरह, मतलब क्या वो चीज़ जो ईयरली रिटर्न हो, साले साले है, साले साले है ना। कोई व्यक्ति का 29 फरवरी का शादी होगा बेचारा साले साले बने तो नहीं, तो क्या तो क्या ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट है ना, मतलब होता है सालगिरह। नेक्स्ट क्या है एनुअल, एनुअल मतलब होता है सालाना। वैसे आप लोग अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो मंथली एग्जाम, 3 मंथ पे एग्जाम, 6 मंथ पे एग्जाम, बट एक मेन एग्जाम होता है ईयरली एग्जाम। क्या होता है ईयरली एग्जाम होता है, उसी को तो कहते हैं एनुअल, एनुअल एग्जाम है ना। तो एनुअल मतलब होता है सालाना, साल पे एक बार आने वाला एग्जाम को एनुअल एग्जाम बोलते हैं। ओके एनोमली, एनोमली मतलब होता है असाधारण, एनोमली मतलब होता है असाधारण। एक होता है नॉर्मली, कोई बात होता है ना जो कोई कुछ कर दिया तो अरे छोड़ो ना, नॉर्मली नॉर्मली बात है ना, नॉर्मल सी बात है, क्या उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना, बात नॉर्मल ना भैया, एनोमली है ये जो आप जो बार बार बोलते हैं नॉर्मली बात है, नॉर्मली बात है, नॉर्मली नहीं, ये कैसा बात है, एनोमली बात है, कैसा बात है, एनोमली बात है, असाधारण, साधारण नहीं, ये छोटका बात है, तूफान आ जाते हैं नहीं। तो एनोमली, एनोमली मतलब होता है असाधारण, है ना। बोल रहा है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, साधारण रूल से अलग, और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, और आप कह रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से बहुत अलग है, असाधारण है ना। नेक्स्ट क्या है एनोनाइमस, एनोनाइमस मतलब होता है गुमनाम, एनोनाइमस कोनो नाम नहीं, एनोनाइमस कोनो नाम नहीं, एनोनाइमस कोनो नाम नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है वही तो गुमनाम है, एनोनाइमस कोनो नाम नहीं, एनोनाइमस कोनो नाम नहीं। और जब कोनो नाम नहीं है ना तो क्या होगा, गुमनाम होगा। क्या बोल रहा है, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नॉन, इस बुक के या इस काम को किसने किया या इस बुक को किसने लिखा इसका कोई पता ही नहीं, मतलब वो क्या है, एनोनाइमस है, क्या है, एनोनाइमस है, गुमनाम है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, एंटी पार्टी, सुने होंगे ना गांव में लोग, ये हमर पार्टी नहीं, वो है हमर एंटी पार्टी, जहां मिले चौड़ी उड़ी में उड़ा देना, एंटी पार्टी विरोधी है ना, एंटी पार्टी एंटागोनिस्ट, एंटी पार्टी एंटागोनिस्ट, वन दैट अपोज अदर, वन दैट अपोज अदर, जो दूसरे को अपोज करे, दूसरे के खिलाफ बोले, दूसरे को भड़काए, वही तो क्या है एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट विरोधी है ना। एक है एंटीडोट, एंटीडोट मतलब जहर नाशक। अच्छा एक बात तो आप लोगों को शायद पता हो, जो जब स्नेक ना सांप जब काटता है ना बॉडी में तो वो डॉट कर देता है, पता है, डॉट कर देता है, ऐसे कर देगा दो गो डॉट, ऐसे होता है ना, जैसे स्नेक जब डसता है ना, सांप जब काटता है तो डॉट दे देता है, डॉट डॉट, और इसी डॉट के माध्यम से जहर जो है बॉडी में चला जाता है। लेकिन कुछ दवा होता है एंटीडॉट, एंटी मतलब अपोजिट है ना, इस डॉट को खत्म करने वाला, तो डॉट मतलब हो गया जहर और एंटीडॉट मतलब हो गया जहर नाशक है ना। तो डॉट जहर, डाउट है मतलब आपको किसी पे डाउट है तो क्या है, वो तो जहरे है ना, अगर किसी को किसी पे डाउट है मतलब क्या है, जहर है, तो डॉट जहर और एंटीडॉट जहर नाशक, एंटीडॉट जहर नाशक। बोला अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन है ना, जो पॉइजन वैसा मेडिसिन दवा जो पॉइजन को इफेक्ट पहुंचाए, पॉइजन को समाप्त कर दे, पॉइजन को नाश कर दे, पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर दे
वही तो है एंटीडॉट, है ना, एंटीडॉट। नेक्स्ट क्या है, अफेसिया। अफेसिया मतलब होता है वाचाघात, अफेसिया मतलब होता है वाचाघात। बोल रहा है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, है ना, अफेसिया। अफेसिया पता है आजकल कंटेंट से ज़्यादा लोग फेस पे ध्यान देते हैं। अगर कोई बढ़िया महिला आ गई ना स्पीच देने के लिए तो क्या बोल रही, कैसे बोले, कोई फेस है लेकिन गजब है, लेकिन समझ रहे हैं। तो क्या है अफेसिया, वाचाघात। वाचाघात बोल क्या रही उससे मतलब नहीं, देखने में मस्त है मतलब बहुत बढ़िया, ये गजब। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, स्पीच को समझने का कोई कोशिश नहीं करेगा उस मैडम जी के, स्पीच को समझने का कोशिश नहीं करेगा, बस वो मैडम जी के देखेगा, है ना। अफेसिया, अफेसिया वाचाघात, वाचाघात बस फेस 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 पे ध्यान दो, फेस वाचाघात। अगर फेस पे ध्यान दीजिएगा तो आप लॉस एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड स्पीच, फेस पे ध्यान दीजिएगा तो स्पीच नहीं समझ पाइएगा, स्पीच को लॉस कर दीजिएगा। इसलिए स्पीच पे फोकस कीजिए, नॉलेज होगा तो फेस तो किसी का भी बदल जाता है, नहीं तो नॉलेज पे फोकस कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने जितना दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।